बात करेंगे यहां से अब सोयाबीन की। तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन यानी कि अमेरिका का सोयाबीन वायदा $1685 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2.25% की तेजी है। देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोयाबीन हम NCDX पर 7900 के लेवल्स पर पहले ही जाते हुए देख चुके हैं, लगभग 8000 पर ही बंद 8000 के लेवल दिखा चुकी है सोयाबीन NCDX पर। अब यहाँ से सोयाबीन में जो एक्सपर्ट हैं वो और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी, उनके मुताबिक सोयाबीन यहाँ से 8500 के भी पार जाती नजर आ सकती है, लेकिन इसके लिए 2 से 3 हफ्तों का वक्त लग सकता है, कम से कम इतना समय जरूर लग सकता है। और अगर जिस हिसाब से विदेशों में तेजी देखने को मिल रही है, अगर वहाँ से वहाँ पर तेजी और ज़्यादा बढ़ती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ता है और सोयाबीन की कीमतों में और उछाल आता है, तो उसका असर घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर भी ज़रूर देखने को मिलेगा और वो 8500 से 9000 तक जाती नज़र आ सकती है। तो सोयाबीन में भी तेजी वाला ही रुझान है। दूसरा CPO हुआ यानी कि कच्चा पाम तेल हुआ, रिफाइंड सोया हुआ, इनकी इन खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं उनमें जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। सरसों तेल में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन हो की उम्मीद के बावजूद सरसों तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल जो भारत है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर अभी नहीं हुआ है, अपना 60% से ज़्यादा क्या जो आपूर्ति के लिए जो भारत है वो आयात पर निर्भर है खाद्य तेलों की। और अगर विदेशों से वहाँ से महंगा तेल आता है तो उसका असर घरेलू तिलहन की कीमतों पर भी ज़रूर देखने को मिलता है। अब जैसे सूरजमुखी का तेल है यूक्रेन से आता है, यूक्रेन से रशिया से और अर्जेंटीना से, इन तीनों देशों से आता है, सबसे ज़्यादा यूक्रेन से आता है। वहाँ पर अभी युद्ध की स्थिति है, वहाँ से सूरजमुखी का तेल बंद हो गया। अब जो सूरजमुखी तेल की जो खपत है वो कहीं पर डाइवर्ट होनी है, कहीं पर तो जानी ही है। तो ऐसे में सोयाबीन तेल हुआ, कच्चा पाम तेल हुआ, इन तेलों के ऊपर सरसों हुआ, इन तेलों के ऊपर सूरजमुखी तेल की जो खपत है वो डाइवर्ट हो रही है। और कच्चा पाम तेल की जो कीमतें हम पहले से ही देख रहे हैं कि उनमें जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया मलेशिया में सप्लाईज टाइट हैं और उन्होंने रशिया यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए भी वहाँ की कच्चा पाम तेल की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, जिसकी वजह से भारत को भी महंगा खाद्य तेल खरीदना पड़ रहा है। भारत की अब मजबूरी हो गई है महंगा खाद्य तेल खरीदने की। और रिफाइंड सोया तेल जो सेबी ने बैन किया था NCDX के ऊपर, उस बैन का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब बैन किया था तब 1100-1200 के लेवल पर था और अब 1500 के ऊपर जा चुका है, 1500 रुपये के ऊपर। तो बैन का तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन रिफाइंड सोया तेल महंगा जरूर हुआ है। तो सोयाबीन की भी जो कीमतें हैं और तेल की भी जो कीमतें हैं आगे जाके वो तेजी वाली ही रहने वाली हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे कि कोई भी कंपनी का फॉर एग्जांपल जैसे सरसों तेल है, अगर उस पर MRP 155 रुपये की है, 160 रुपये की है, तो दुकानदार उसको 170-180 में बेच रहे हैं। दुकानदारों ने तो सस्ते में खरीदा था उस समय भी, लेकिन जो आयात हो रहा है वो तेल महंगा होने के कारण जो बाज़ार में जो तेजी आई है उसकी वजह से जो व्यापारी है सोया तेल रिफाइंड हो गया, सरसों तेल हो गया, अब इसको महंगा करके बेच रहे हैं। तो इसी से अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में खाद्य तेलों के दाम फिर से कितने बढ़ने वाले हैं। और अभी तक सरकार एक्शन में नहीं आई है इस चीज़ को लेकर, खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार जल्द ही एक्शन में आ सकती है खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर। सरकार की नज़रें भी हैं और अगर लगातार ऐसी स्थिति बनी रही तो सरकार खाद्य तेलों को लेकर भी कोई फैसला जरूर लेगी।